प्रसिद्ध द्रोण महादेव शिव मंदिर शिवबाड़ी अम्बोटा का दान पात्र चुराने वाले चोर गिरोह का भंडाफोड़ करने में गगरेट पुलिस ने सफलता हासिल की है। इस चोर गिरोह तक पहुंचने में मंदिर में लगी तीसरी आंख कारगर साबित हुई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अम्ब व भेड़ जसवा गांव में झुग्गियां बनाकर रह रहे चोर गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह के 2 और सदस्य अभी फरार हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस चोर गिरोह से चोरी की कई घटनाओं के राज खुल सकते हैं। पुलिस इन्हें अदालत में पेश कर इनका पुलिस रिमांड हासिल करने का प्रयास करेगी। चोर गिरोह के सदस्य पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए दिन में कबाड़ी का काम करते थे और रात को इन कृत्यों को अंजाम देते थे। 19-20 जून के मध्य रात्रि इस गिरोह ने प्रसिद्ध द्रोण महादेव शिव मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर मंदिर में रखे 4 दान पात्र चुरा लिए और इन्हें साथ लगते जंगल में फेंक दिया। चोर एक दान पात्र में रखे चांदी के नाग व 1000 रुपए की नकदी उड़ा ले गए। पुलिस ने कुछ सामान रिकवर कर लिया है। SHO हरनाम सिंह ने बताया कि 4 आरोपी गिरफ्त में आ गए हैं जबकि 2 की तलाश जारी है। ये जो शिवबाड़ी मंदिर में चोरी हुई थी उसमें पकड़े गए हैं। कितने आरोपी हैं टोटल सर? 4 अभी हमारे पास आ गए हैं, 2 और आने बाकी हैं। सर कुछ रिकवरी भी हुई है इनसे? रिकवरी अभी थोड़ी देर में दूसरे पार्टी जो है वो लाने वाली है और कुछ इन्होंने सामान भेज दिया है, वो भी रिकवर किया जाएगा। ये सर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही इनकी जांच में तभी पकड़े गए? हाँ जी हाँ जी, इनकी जो एक शख्स की जो है वो चेहरा सामने नजर आ रहा था तो उसी के आधार पर इनको ट्रेस आउट किया गया है। आज सर इन्हें पेश किया जाएगा अदालत में? आज तो थोड़ी देर पहले लाए हैं इनको, कल पेश किया जाएगा। कल पेश करेंगे इन्हें। ठीक सर। 7-Eleven सुपर मार्ट अब खुल गया है आपके नजदीकी शहर चौकी रोड बड़ूही जिला ऊना में, जिसमें हर प्रकार की ग्रोसरी और गिफ्ट आइटम बाजार से सस्ते दामों पर उपलब्ध है। बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ 7-Eleven मार्ट देता है आपको सुविधाजनक सर्विसेज। आपके घर की जरूरतों के सामान को मद्देनजर रखते हुए एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं हर प्रकार की ग्रोसरी और गिफ्ट आइटम्स। तो आज ही आइए और 7-Eleven मार्ट में शॉपिंग का लुत्फ उठाइए। जल्द से जल्द संपर्क करें 9816385306 पर। शिक्षा जगत की बगिया में महकते गुलाब जैसे सेंट डीआर पब्लिक स्कूल गगरेट विद्यार्थियों के भविष्य को ऐसे संवार रहा है कि उनकी सफलता की कहानियां पूरे प्रदेश में डंका बजा रही हैं। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित वार्षिक परीक्षा परिणाम में इस स्कूल के विद्यार्थी मेरिट सूची में स्थान पा रहे हैं। इस स्कूल की प्रिंसिपल सरोज शर्मा ने कुछ साल पहले अपने अथाह परिश्रम से शिक्षा का जो पौधा रोपा था वे आज वटवृक्ष बन के विद्यार्थियों के भविष्य को ठंडी छांव दे रहा है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं में मेरिट सूची में स्थान पाने वाले विद्यार्थी स्कूल के बारे में क्या राय रखते हैं ये आप खुद जान सकते हैं। गुड आफ्टरनून, मैं अनामिका, मैंने हिमाचल प्रदेश बोर्ड में 3रा स्थान हासिल किया है प्लस टू क्लास में और मैं सैंडियर स्कूल से नर्सरी टू प्लस टू यहाँ ही किया है और यहाँ का स्कूल सिस्टम बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छे हैं और यहाँ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम कृतिका है, मैं 12वीं कक्षा की छात्र, 3रा स्थान प्राप्त किया है पूरे हिमाचल बोर्ड में। गुड आफ्टरनून, आई एम प्राची, आई हैव स्टडीड फ्रॉम दिस स्कूल सिंस नर्सरी, बहुत ही अच्छा स्कूल है एंड आई हैव गॉट 4th पोजीशन इन हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, मैं नर्सरी से यहीं पे पढ़ी हूँ, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा स्कूल है। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आओ सेंट डीआर स्कूल को चुनें।